उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कान्हा की नगरी वृंदावन आए, जहां उन्होंने माटपानी गांव अप्रोच मार्ग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में नगर के संतों महंतों के साथ मुलाकात कर 2021 में लगने वाले कुंभ मेला की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बरसाना से हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय कार्यक्रम के करीब 2 घंटे बाद पवन हंस हेलीपैड पर उतरे। यहां से वह कड़ी सुरक्षा में वाहन के द्वारा पर्यटक सुविधा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने संतों के साथ कुंभ मेला सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान वैष्णव संतों की बैठक यानी कुंभ मेला को लेकर मुख्यमंत्री ने संतों को आश्वस्त किया कि यहां पर कुंभ का आयोजन हरिद्वार की तरह ही दिव्य और भव्य होगा। वहीं संतों ने कुंभ मेला का नाम संत समागम की जगह कुंभ मेला ही रखने की मांग की, जिस पर सीएम ने संतों को उनके आस्था और श्रद्धा के अनुरूप ही सरकार द्वारा कार्य करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान नागेंद्र महाराज द्वारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में 2 किलोमीटर की दूरी तक शराब मांस आदि की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच मुख्यमंत्री संतों के साथ मुलाकात करने के बाद बिना पत्रकारों से वार्ता किए श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बैठक को लेकर जानकी बल्लभ मंदिर के महंत महेंद्र दास ने जानकारी दी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का वृंदावन में आगमन हुआ और राधा रानी का दर्शन किए बरसाना में, उसके बाद रमेश बाबा जी के गौशाला में गौ माता का पूजन किए, उसके बाद आगामी वृंदावन में होने वाले कुंभ के ऊपर सभी संतों के साथ चर्चा किए हैं। ये उनका धार्मिक यात्रा था और यहाँ पर आगामी समय में जो वृंदावन में कुंभ होने वाला है वो बहुत ही दिव्य भव्य रूप से, जैसे हरिद्वार में आपने देखा होगा कि कुंभ होता है, अभी इलाहाबाद में कुंभ हुआ है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में जो कुंभ हुआ इलाहाबाद में, उसी तर्ज पर वृंदावन में भी दिव्य भव्य रूप से कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उसी कुंभ को लेकर परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है सभी संतों से कि आप लोग, सभी संतों को आश्वस्त किए हैं कि आप लोग चिंता ना करें, उसी तर्ज पर वृंदावन में भी दिव्य और भव्य रूप से कुंभ का आयोजन किया जाएगा। अधिकारी कुंभ का नाम बदलकर संत समागम कर रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, संत समागम तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संतों का नाम तो सभी से बढ़कर है, लेकिन जो यहाँ का स्वरूप है वो, जो यहाँ के सभी संतों का पूज्य फूलडोल बिहारी जी महाराज जी और जो भी यहाँ वरिष्ठ संत हैं, उन सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि इसको संत समागम ना कहकर इसको वृंदावन कुंभ के रूप में पूरी दुनिया में इसे प्रसारित किया जाए, क्योंकि वृंदावन का नाम आज पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है, तो वृंदावन की शोभा वृंदावन कुंभ के नाम से ही है। मैं मुख्यमंत्री जी से सभी संतों की तरफ से यह आग्रह करता हूं कि इसका नाम वृंदावन कुंभ के रूप में मनाया जाए।